किताब ते सिख भी निगलिया गया। लेखक सरदार कुलबीर सिंह कौड़ा, भाग दूजा, आवाज भाई गुरजंट सिंह रूपवाली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बुद्ध धर्म, सिख धर्म अते दूजे धर्मां विच मुढ़ला फर्क यह है कि दूजे धर्मां दी शुरुआत जां मानता इस करके शुरू हुई क्योंकि हिंदुआं दे भगवान राम कृष्ण, जैनियां दे चवि तीर्थंकर, बुद्ध धर्म दे महात्मा बुद्ध अते इस्लाम धर्म दे बानी हज़रत मुहम्मद साहब सारे राजे जां राजियां दे पुत्र सन। पर सिखां दे पहले गुरु नानक जी सिर्फ एक पटवारी दे पुत्र सन। इस तरह ही ईसाई धर्म दे बानी यीशु मसीह भी एक तरखाण सन। उन्हां दा तां जन्म भी भेड़ां दे वाड़े विच होया सी। राम कृष्ण जैनियां दे चौबी दे चौबी तीर्थंकर बुद्ध ते सिखां दे गुरु नानक समेत दस दे दस गुरु भी क्षत्री हुण दे खत्री सन। कहण तों भाव इह कि भारत विच जन्मे सारे धर्म गुरु क्षत्री सन। राम ते कृष्ण दा संबंध तां हिंदू धर्म नाल ही रहा है, पर बुद्ध तों बुद्ध धर्म, जैन गुरुआं तों जैन धर्म ते दस गुरुआं तों सिख धर्म होंद विच आया। ईसाई ते मुसलम धर्म बाहर तों भारत आए, इसलिए इन्हां दोहां दी गल बाद विच करांगे। उपरोक्त सारे धर्मां विच ब्राह्मण दा रोल की सी, इस दी चर्चा जरूरी है क्योंकि राम ते कृष्ण तां हिंदू धर्म नाल ही संबंधित सन। इसलिए हिंदू धर्म तां ब्राह्मण तों बिना एक पैर भी नहीं तुरिया। सज्जा धोवे खब्बे नूं ते खब्बा धोवे सज्जे नूं वांग हिंदू क्षत्रियां ने ब्राह्मण तों बिना एक पैर भी नहीं पुटिया। जे क्षत्री राजिया ने परजा ते जुल्म कीता तां ब्राह्मण ने इस नूं जायज करार दिता, बल्कि परजा नूं इह समझाया कि राजा तां पिता समान हुंदा है, जे उह किसी की जान भी लै लवे तां कोई गल नहीं। जे राजे नूं अपने कीते हुए पापां तों डर लगा तां ब्राह्मण फट उसकी मदद ते आ गया ते उसनूं मानसिक उलझण विचों कढ़न लई उसनूं दस्या कि शक्तिशाली राजा पाप अते पुन तों परे हुंदा है। इसलिए राजे नूं अपने कीते हुए पापां तों डरन की लोड़ नहीं, बस उह ब्राह्मण नाल बणा के रखे, फिर उसनूं कोई दुख दलिद्र नहीं। ब्राह्मण कोल हर मर्ज की दवा है। इस तरह के आपसी समझौते विच एक बार उदों दराड़ आई जदों परशुराम दे प्यो ब्राह्मण ने क्षत्री राजे कोलों कपला गऊ मंग ली। कपला गऊ उस कामधेन गऊ नूं आखदे हन जिहड़ी दुध तो बगैर होर भी जो मंगो वह देंदी है। राजे नूं ब्राह्मण की यह मंग चंगी ना लगी, नाले ब्राह्मण ने उन्हूं यह भी तां दस्या सी कि शक्तिशाली राजा पाप ते पुन तो परे हुंदा है। इसलिए जदों ही ब्राह्मण ने राजे नूं कहा राजन तैनू पाप, अजे गल ब्राह्मण दे मूँह विच ही सी कि राजे ने तलवार मार के उहदा सिर ला के औ मारिया, पर यह गल आई गई ना हो सकी। उसे ही ब्राह्मण दे पुत परशुराम ने अपने प्यो दा बदला लैण लई क्षत्री राजियां दा ही नहीं क्षत्री जनता दा भी कतलेआम शुरू कर दिता। 18 सेर दा फरसा कुहाड़ा वह हर वेले मोढ़े ते रखदा। उसे ने इस धरती नूं 18 वार क्षत्रियां तों रहित कीता। परशुराम जदों क्षत्रियां नूं मारदा सी तां औरतां नूं नहीं सी मारदा ते ना ही वह रिशियां मुनियां नूं मारदा सी। संतान उत्पत्ति दा होर कोई तरीका ना रहा सिवाय नियोग दे। क्षत्री इस्त्रियां रिशियां मुनियां ते तपस्वियां नाल भोग करदियां ते इस तरह संतान की उत्पत्ति हुंदी। इसे तरीके नूं ही नियोग कहिंदे हन क्योंकि 18 वार धरती आम क्षत्रियां तों खाली हो चुकी सी। उस तों बाद जिन्ने भी बच्चे जमे वह रिशियां मुनियां दे सन। इसे लई ही भारतीय लोकां नूं रिशियां मुनियां की औलाद कहा जांदा है। कहिंदे हन शब्द अरोड़े भी इसे ही साके विचों होंद विच आया है। जदों परशुराम किसे नूं मारदा सी तां पहलां पुछ लैंदा सी क्षत्री, जे उह कहिंदा हाँ तां उस नूं कतल कर दिंदा। एक दिन एक समझदार ते सियाणे क्षत्री नूं उहने पुछिया क्षत्री, अगों उस क्षत्री ने कहा नहीं हम और हैं। फिर सारे क्षत्री ही हम और हैं कह के जान बचा लेंदे। इस तरह ही और तों बदलदा बदलदा शब्द अरोड़ा बन गया। यह दंत कथा बड़ी मशहूर है कि रामचंद्र दे भरा लक्ष्मण ने परशुराम दा कतल करके सारियां नूं मुक्ति दिवाई सी। बस इस कहानी तों बगैर
होर किते भी ब्राह्मण ते क्षत्री दा टकरा नहीं होया, सगों अयोध्या तो 1000 मील दूर बैठा एक दलित जिसका नाम शंभूक सी, आराम चंद्र दे हुक्म नाल लभ के कतल कर दिता गया। क्योंकि अयोध्या दे एक ब्राह्मण दा पुत्र मर गया तो उसने राम चंद्र दे महलां विच आ के पिट पटाका पा दिता ते कहा, ब्राह्मणा दे पुत ना मरन तां होर की होवे, तेरे राज विच अनर्थ हो रहा है, शूद्र तप कर रहे हन, इस तप दा भार तां साडे ते ही पवेगा ना। राम चंद्र ने ब्राह्मण नूं धीरज दिता ते भरोसा दवाया कि इंसाफ होवेगा। उस शूद्र शंभूक नूं 1000 मील दूर बैठे नूं जा लभिया ते उसदा सिर धड़ तों वख कर दिता। ब्राह्मण ते क्षत्री दा एक टकराव होर भी आया, पर इस टकराव नूं हिंदू ब्राह्मण क्षत्री युद्ध नहीं सगों नेकी ते बदी की लड़ाई कहिंदे हन, जिस विच बदी की हार होई ते नेकी की जित होई। इस करके ही बदी दे प्रतीक रावण का पुतला साड़िया जाता है। जदों पंजाब विच संघर्ष चल रहा सी तां भूए चढ़े हुए पंजाबी हिंदुआं जिन्हां नूं पुलिस की शह सी ने अमृतसर शहर विच रावण मेघनाथ ते कुंभकर्ण के पुतलियां नाल एक सिख का पुतला भी बना दिता। अकाली दल मान दी अमृतसर यूनिट ने डीसी अमृतसर ते SSP नाल गल कीती अते गंभीर सिटियां दी चेतावनी दिती, जिस करके गड़बड़ तों बचाव हो गया ते पुतले विच तब्दीली करके महंगाई दा पुतला बना दिता गया। जलंधर दे जिला प्रधान दे तौर ते मैं पहला ही एक बयान दे दिता सी कि जे इत्थे सिख दा पुतला बना के साड़िया गया तां हो सकदा है असीं वी कोई पुतला बना के साड़ीए। प्रेस वालियां पुछिया, किदा बनाओगे राम दा? मैं कहा, सोचांगे राम दा भी हो सकता है, पर फिर SSP जलंधर ने ऐसा कुछ होण ही नहीं दिता। कहिंदे हन बनवास के दिनों विच अयोध्या तो चल के जदों रामचंद्र लक्ष्मण अते सीता जी नासिक महाराष्ट्र पहुँचे तां उत्थे जमीन थले एक गोल टोआ पुट के बाहरों एक 1.25 फुट व्यास का 30 फुट लंबा राह रखिया गया तां कि जंगली जानवर ते किसी बंदे तो बचाव हो सके। ये जगह मैं आप वेखी है, इत्थे बहुत दुनिया आउंदी है ते उसे 1.25 फुट मोरे थाणी अंदर जांदे हन, एक दे पैर ते दूजे दा सिर, फिर उसके पिछे एक होर बंदा, उस पिछे होर ते उस पिछे होर लंबा पै के किस्त किस्त के ही जाया जा सकता है। जे कोई श्रद्धालु अगे ज़्यादा चिर ला देवे तो उस लंबी जी मोरी विच लम्मे पए बंदे दा दम घुटन लगता है, ना बंदा पिछे जा सकता है ना अगे जा सकता है, कोई माड़े दिल वाला तो चलाना भी कर सकता है। मेरी वारी भी एवें ही होया सी, मेरे अगे वाला बंदा पिछां नूं निकलण लई जोर ला रहा सी, मेरे पिछे भी 2-3 बंदे सन, वह बेचारा कह रहा सी मैं मरन लगा हाँ, पर उत्थे बैठे पुजारी ब्राह्मण सगों ज़्यादा चिर लगाउंदे हन तां कि जगह दी उत्सुकता बनी रहे। जिन्ना दिल्ली तो नासक है उस तो ड्यूडे तो भी ज़्यादा नासक तो लंका है, जिथों की सरूप नखा रहन वाली सी, फिर लंका ते भारत दे विचकार समुंदर भी पैंदा है। मोटरबोट जां सफारी ते जाइए तां समुंदर समुंदर विच ही 1.5-2 घंटे लग जांदे हन। दिल्ली तो नासक घट तो घट 1200-1300 मील है, नासक तो अगे समुंदर घट तो घट 2000 मील जरूर होवेगा, फिर अगे समुंदर का भी सफर। बीबी सरूप नखा लंका की रहन वाली सी, समझ नहीं आती वह 2000 मील की दूरी तो घोर जंगल विच की करती फिरती सी। ये गल मैं उत्थे आए कई दर्शकों ते कई श्रद्धालुओं पूछी, पर किसी ने तसली बख्श जवाब नहीं दिता। सुपरफास्ट गड्डी का भी यह 20 घंटे का सफर होगा, सरूप नखा कादे ते चढ़ के आई होगी ऐसे भयानक जंगल विच जिथे राम ते लक्ष्मण नू जानवरां तों बचा ली जमीन विच टोआ पुट के अंदर वड़न लई मोरी बनाउणी पई सी, उत्थे कल्ली कारी जनानी दा की काम? एक पुजारी ने कहा, वह आम जनानी नहीं सी, राक्षणी सी ते चुड़ेलां वांग हवा विच भी उड जांदी सी। मैं पुछिया, जो राक्षणी सी तां फिर नक वड़न लगे लक्ष्मण दीआं रगां नू क्यों ना पई? वह कहण लगा, वह ते पै ही गई सी, उन्हें तो लक्ष्मण जी नू मूँह विच पा के निगल ही लिया सी, वह तो उन्हां दे लक नू तड़ागी बद्धी होण करके बचा हो गया, जे वह मूँह विच पावे तां तड़ागी अध विच
जे पैरां वल्लों पावे तां वी तड़ागी अध विच आउंदी सी। ओह फिर निकल किवें सकदी सी? उसने मेरे ज्ञान विच वाधा कीता तां ही तां बच्चियां नूं तड़ागी पाई जांदी है। फिर मैनूं ख्याल आया कि पंजाब विच वी तड़ागी पाई जांदी है ते अखाण वी बणिया होया, मुंडा मर जाऊ पर तड़ागी ना टुटू। इत्थों पता लगता है कि ब्राह्मण की पहुँच कित्थों तक है। इस तों बाद मैं लंका गया तां उत्थे बड़ियां नूं पुछिया रावण का सोने का महल कित्थे है। उन्हां कहा किहड़ा रावण? मैं कहा जिहड़ा साडी सीता जी नूं चुक ले आया सी। इह सारी लंका वी कहिंदे हन सोने दी हुंदी सी। मेरे सवालां ते उन्हां नूं बड़ी हैरानी हुंदी। जाफना कॉलेज के प्रिंसीपल ते होर सारे प्रोफैसरां ने कहा इत्थे शुरू तों ही भंग पुजदी है, गरीबी अतदी है। इत्थों दे लोक जिहड़े समुंदर तट वाले हन ओह मच्छी फड़ के गुजारा करदे हन, दूजे खेती करके पेट पालदे हन। जदों दा अंग्रेजां ने आ के इत्थों तजारत वास्ते कुछ चीज़ां जिवें दाल चीनी जो एक दरख्त की छिल हुंदी है ते होर गर्म मसाले ते चाह पत्ती वगैरह दूजे देशां नूं भेजणी शुरू कीती तां इन्हां लोकां नूं थोड़ी जिही आर्थिक पक्खों होश आई ते ये रजमी रोटी खाण लगे हन। तुसीं पूरा शहर सोने दा कहिंदे हो, लंका नां दा कोई शहर इत्थे नहीं। जाफना, ट्रिकोमाली, कैंडी वगैरह शहर हन, लंका लुंका इत्थे कोई नहीं। उत्थे मैनू कुछ सिख भी मिले। उन्हां मैनू दस्या जदों असीं वी पहलां पहलां इत्थे आए सी तां बथेरियां जबड़ियां मारदे हुंदे सां, ऐसा इत्थे कुछ भी नहीं। जे इस गल विच कोई सच्चाई होवे कि रावण सचमुच इत्थों दा सी ते भारत विच उसदे पुतले सड़दे हन तां इह वी अक्सर एक आज़ाद मुल्क है, इत्थे ना राम ते लक्ष्मण दे पुतले सड़दे। अशोक वन वर्गी भी उत्थे कोई चीज़ मैनू दिसी नहीं, बाकी परमात्मा जाने। कशत्री ते ब्राह्मण दे इस टकराव ने भी इन्हां दोवां विच कोई कुड़त्तण नहीं लियांदी। भावें रावण मारिया ही गया फिर भी उसनूं सीधा कतल करार ना दे के ब्राह्मण ने कहा उसनूं कोई मार ना सकदा जे उसदे घर विच फुट ना हुंदी, दूजा जे उह किसी पराई इसत्री वल माड़ी अख ना करदा। कशत्री ते ब्राह्मण नूं नेड़े लियाउण वाली एक गल इह वी होई कि जदों रावण जख्मी हो के डिग पिया ते मरन किनारे सी तां लक्ष्मण ने रावण दे सिर वल खलो के पुछिया हे ब्राह्मण देवता कोई अकल दी गल ही दस जाओ। तां झट राम जी ने उस नूं टोकिया ते कहा जे कोई अकल दी गल पुछणी है तां पैरां वल आ के खलो के पुछ। लक्ष्मण ने इसे तरह ही कीता। हुण वी दुशहरे वाले दिन रावण की बकायदा पूजा हुंदी है अते लोक सड़े हुए रावण के पुतले दे बांस रावण दियां हड्डियां समझ के घर रखदे हन। अखे चोरी नहीं हुंदी, नाले बुरी नज़र नहीं लगदी। बुद्ध धर्म ते ब्राह्मण का भी बहुत नेड़े का संबंध बन गया, हालांकि बुद्ध धर्म ब्राह्मण के विरोध विचों ही पैदा होया सी। होया इस तरह कि बिहार विच गया लागे साकिया मुनि नां दा राजा राज करदा सी। एक दिन वह जंग दे मैदान विचों ब्राह्मण दा आशीर्वाद लैण अपने महलां विच आया तां की वेख्या कि ब्राह्मण नगन अवस्था विच निश्चिंत हो के राणियां नाल रंग रलियां मना रहा सी। साकिया मुनि नूं अग लग गई, उसका हाथ किरपान की मुठ्ठी ते गया, अखां विच खून उतर आया। उसने तलवार म्यान विचों बाहर तां कढ लई पर ब्राह्मण ते उठ ना सकी। उस नूं पता सी कि ब्राह्मण दे कतल तो बाद राज विच बगावत हो जाएगी। साकिया मुनि नूं पता सी कि ब्राह्मण इन्ना शक्तिशाली है कि मेरे राज की इट नाल इट वज जाएगी ते सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। उसने अपने मन अंदर ब्राह्मण का खुरा खोज मिटाउण की कसम खा ली। महात्मा बुद्ध जिसका नाम सिद्धार्थ सी उसे साकिया मुनि का पोतरा सी। साकिया मुनि ने उसकी विशेष परवरिश का प्रबंध किया। ब्राह्मण की तबाही का हर नुकता उसनू समझाया। उसनू निक्के हुंदे तो ही ब्राह्मण की मकारी ते उस द्वारा फैलाए जाते अंधविश्वासों बारे पूरी जानकारी दिती। साकिया मुनि ने ब्राह्मण के खिलाफ समझो सिद्धार्थ नू एटम बंब बना दिता। ये वक्री गल है कि महात्मा बुद्ध के मरण तो बाद ऐसिया कहानियां प्रचलित हो गई कि उसने एक बुढ़ा वेख लिया सी जिस तो दुखी हो के सच्चाई का पता लाने लई ओ सच की खोज वास्ते अपनी पत्नी यशोधरा ते पुत्र राहुल नू छड़ के रात नू चुप चाप जंगलों विच चला गया।
सिद्धार्थ नूं महलां तों बाहर भेजना भी साक्या मुनि की योजना का ही एक हिस्सा सी, क्योंकि जे सिद्धार्थ जंगलां विच जा के तप ना करदा तां महात्मा बुद्ध किवें बणदा। बुद्ध बन के ही तां उसने ब्राह्मण दीआं जड़ां पुटियां। इह गल वखरी है कि बरू की जड़ वांग ओह जड़ां फिर हरियां हो गईआं, पर एक वार तां बुद्ध ने ब्राह्मण नूं हिला के रख दिता सी। बुद्ध ने छाती ठोक के कहा कि वेदां विच जो लिखिया है वह झूठ दा पलंदा है। कोई पाप पुन नहीं, ना ही कोई नरक स्वर्ग है, ना आत्मा है ना परमात्मा है। आवागमन करामातां वहम भरम देवी देवते कुछ भी नहीं। सब तो वड्डी गल बुद्ध ने यह की कि अपना सारा प्रचार पाली बोली विच कीता, जिहड़ी उस वेले लोक बोली सी। बुद्ध का प्रचार झट लोगों की समझ विच आ गया, क्योंकि ब्राह्मण की बोली संस्कृत सी। वह अपने वेदां का सारा उचारण संस्कृत विच करदा सी, जिहड़ी कि लोगों की समझ तो बाहर सी। ब्राह्मण वल्लों सताए हुए लोग झट बुद्ध मगर लग गए। गौतमी नां दी बुद्ध दी चाची ने बुद्ध नूं पालिया सी, इसे करके ही बुद्ध का नाम गौतम बुद्ध कहा जाण लगा। बुद्ध दे प्रचार का असर अमीरां ते गरीबां दोवें ते पिया, पर गरीबां ते तां इन्ना पिया कि उन्हां कोल कुछ भी ना हुंदियां उन्हां सब कुछ बुद्ध ते निशावर करन दा मन बना लिया। इस तरह दीआं बड़ीआं कहानियां प्रचलित हन। कहिंदे हन बुद्ध ने एक वार किसे शहर प्रवचन करन जाणा सी। उस शहर विच एक सुदास नां दा चमार रहिंदा सी। उसकी झौंपड़ी दे लागे ही एक छप्पड़ सी, जिस दे चिक्कड़ भरे पानी विच एक कमल दा फुल उग आया सी। सुदास वह फुल तोड़ के वेचण तुर पिया। राह विच उसनूं एक शाहूकार मिलिया। उसने कहा, मैं बुद्ध दे दर्शनां नूं चलिया हाँ, मेरे कोलों 5 रुपए लै ला ते फुल मैनूं दे दे, मैं बुद्ध अगे चढ़ाउणा है। सुदास अजे सोच ही रहा सी कि वजीर आ गया। उसने कहा, मेरे कोलों वध पैसे लै के फुल मैनूं दे दे, मैं बुद्ध नूं चढ़ावांगा। सुदास अजे कोई फैसला ना कर सकिया सी कि राजे ने कहा, मूहों बोल किन्ने पैसे लैने, मैं बोरियां नोटां दीआं तैनूं इस फुल बदले दे सकदा हाँ। मेरी बड़ी इच्छा है कि यह फुल मैं बुद्ध अगे चढ़ावां। पर सुदास ने फैसला कर लिया। उन्हें कहा, जे तुसीं इस फुल दे पैसे दे के बुद्ध अगे चढ़ाउण लई इन्ने ललायत हो तो फिर मैं ही क्यों ना इस फुल नूं बुद्ध नूं भेट करां, जिन्हें कोई पैसा भी नहीं खर्चिया। उस गरीब चमार ने लखां रुपयां नूं लत मार दित्ती ते बुद्ध अगे फुल समेत जा पेश होया। इस कहानी तो बुद्ध की आम लोगों विच प्रसिद्धि का पता लगता है। सुदास दे चढ़ाए हुए कमल दे फुल की परंपरा थाईलैंड वर्गे बोधी देशों विच तां अजे भी है, पर भारत विचले बोधी मंदरां विच भुल भुला गई है। जदों मैं थाईलैंड दे उस बुद्ध मंदर विच गया जिथे 5.5 टन की सोने की बुद्ध की मूर्ति पई है, तो मैं देखिया कि उस मंदिर विच 3 चीज़ां दे चढ़ावे चढ़ते हैं, कवल दे फुल, संदल की अगरबत्ती, मोमबत्ती। मोमबत्ती का साइज 5 फुट उच्चा ते 1 फुट गुलाई तक का भी हुंदा है, पर हिंदू मंदरां वांग उस मंदिर विच बनिया 1-2 ठेकेदारां दीआं दुकानां ते ओहो ही चढ़ावे वाला समान फिर वापस आ जाता तो दोबारा फिर वेच दिता जाता है। बुद्ध का एक होर मंदिर है जो 22 एकड़ विच संघना संघना बनिया होया है। जे सारा मंदिर वेखना होवे तां 2 दिन लगते हैं। उस दे लागे ही राजे का महल। थाईलैंड की 90% आबादी हिंदू है, लगभग सारी ही बोधी है। बुद्ध धर्म थाईलैंड का राष्ट्रीय धर्म है। इस मंदिर विच बुद्ध की 46 मीटर लंबी ते 15 मीटर उच्ची मूर्ति है। इस विच एक होर टशन भी किया होया है। 20 बाट के सिक्के भारती 20 रुपए के बराबर मंदिर विचों ही मिल जाते हैं। 46 मीटर लंबे काले रंग के मिट्टी के कुजे जे कतार विच पए हैं। दर्शन करने वाले एक एक सिक्का एक एक कुजे विच सुटी जाते हैं। श्रद्धालुओं लई वह पैकेट पूरा सिक्कियां दा बनिया बनाया मिलता है। पर सब तो हैरानी वाली गल यह है कि इसे ही मंदिर के दूसरे अहाते विच जिहड़ा कि मसा ही 20 मीटर दूर होवेगा शिवलिंग स्थापित किया होया। कोई आपे ही सोच सकता है कि हिंदू धर्म ने कितों तक जा के मार की है।
बुद्ध दे मंदर विच शिवलिंग नूं वेख के अज महात्मा बुद्ध दी रूह कुरला रही होवेगी, पर क्योंकि ब्राह्मण दीआं जड़ां बरू दीआं जड़ां वांग बहुत दूर दूर तक फैलियां होईआं हन, इसलिए इस तरह तां होना ही सी। बुद्ध धर्म एक तरह का नास्तक जिहा धर्म है, इस विच आत्मा अते परमात्मा दोहां दा ही कोई स्थान नहीं। पर कंबोडिया जिथे बुद्ध धर्म अज भी राजसी धर्म है, उत्थे बुद्ध दिन मनाया जाता है। लोग भिक्षुआं नूं खाणा इस करके खवाउंदे हन तां कि उह खाणा उहनां दे पितरां तक पहुँच जावे। यह सारा सिस्टम ब्राह्मण दे श्राद्धां वर्गा बन चुका है ते ब्राह्मणां दे बुद्ध धर्म विच घुसपैठ कर जाण दा नतीजा है। सिख धर्म विच भी श्राद्धां दा कोई मतलब नहीं, पर फिर भी सिख पंज सिखां नूं खाणा खवाउण लग पए हन ते उह भी अगों पिछों नहीं श्राद्धां दे दिनां विच। इस तरह ब्राह्मण दी होंद इन्हां दोहां धर्मां विच स्पष्ट दिसदी है। बुद्ध धर्म विच तां ब्राह्मण बहुत अगे तक चला गया है। कंबोडिया दे लोग व्याह पूरा होण तों पहलां कुछ पढ़ पढ़ के ते गा गा के आत्मावां नूं बुलाउंदे हन, जदके इस धर्म विच उह हुंदियां ही नहीं। थाईलैंड दे कई शहरां दे नाम भी हिंदू शहरां दे नावां वर्गे हन, थोड़ा जिहा उचारण दा ही फर्क है। थाईलैंड विच भी एक शहर दा नाम अयुध्या है, पर थाईलैंड दे लोग इस नूं अछुथिया कह देंदे हन, जो कि उन्हां दी बोली दे उचारण कारण है। राजे दा नाम रामा है। बहुत ऐसे नाँ हन जिन्हां दा भुलेखा पै जांदा है। पहलां पहलां थाईलैंड विच बहुत ही बोधी भिक्षु सन, विचारे गृहस्थी लोकां दा जीउणा हराम होया पिया सी। हेड़ां दीआं हेड़ां बोधी भिक्षु गलियां बाजारां विच पए फिरदे सन। इत्थों तक कि निक्के निक्के चार चार पंज पंज साल दे भिक्षु भी रोडे सिर करके गेरुए कपड़े पा के मंगदे फिरदे सन। पर थाईलैंड दी सरकार ने कानून बनाया कि अगों तों कोई भी बोधी भिक्षु नहीं बन सकेगा। थाईलैंड विच बोधी मंदर भी बहुत ही हन ते इन्हां मंदरां नूं बनाउण ते भी बहुत पैसा खर्च किया जाता है। पूरे थाईलैंड विच बोधी मंदरां दा जाल उस तरह ही है जिवें पंजाब विच सिखां ने गुरद्वारे तामीर कर ले हन। जिस तरह सिख धार्मिक होण दा विखावा करदे हन पर हुंदे नहीं, इसे तरह ही थाईलैंड वासी हन। सरकार ने 80,000 बोधी भिक्षुआं की निशानदेही करवा के एक मंदिर विच सिर्फ 2 बोधी भिक्षु छड के बाकियां नूं गृहस्थी बनने लई मजबूर कर दिता है। हुण हालत यह है कि मेरे कई दिन थाईलैंड रहण दे बावजूद सड़कां ते वख-वख वेले सिर्फ 4 बोधी भिक्षु ही नज़र आए। वह भी कितने अपने काम आ जा रहे सन ते उन्हां कोल मंगण नूं काला जिहा कासा भी नहीं सी। थाईलैंड विच भी ब्राह्मणवाद ने उत्थों दे लोकां दे जीवन ते बहुत हिंदू प्रभाव पाया। ये लोग भी बहुत वहमी भरमी हो गए हैं, जिवें किसी दे सिर नूं हाथ लाउण नूं बहुत बुरा समझा जाता है। जे सहवन ही किसी दे सिर नूं हाथ लग जाए तो झट मुआफ़ी मंगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर नूं सारे शरीर के दूजे हिस्सों नालों पवित्र मानते हैं, बल्कि सिर नूं तां बहुत ही पवित्र मानते हैं। इसे तरह ही घर की सरदल ते पैर रखना बुरा मनिया जाता है। जुत्तियां घर के बाहर ही ला देनियां चाहीदियां हन ते नंगे पैर ही अंदर जाना चाहिए। इन्हां दे होर भी बहुत वहम भरम हैं जो ब्राह्मण ने ही इन्हां नूं सिखाए हैं। महात्मा बुद्ध की सिक्ख्या बड़ी सीधी साधी ते सरल सी ते हर एक दे समझ आउण वाली सी। महात्मा बुद्ध अपने चेलियां नूं कहिंदे सन कि जदों जमीन ते तुरो तां 4 फुट तों अगे ना वेखो, जे औरत दिस पवे तां अखां बंद कर लो, जे वेखणा वी पै जावे तां हथ ना लायो छूयो ना, जे छूणा पै जावे तां बोलियो ना, जे बोलना पै जावे तां फिर होश ना गवा लो। बुद्ध ने यह भी कहा कि मिट्टी नहीं छूनी चाहिए, क्योंकि इस नाल भी काम उपजदा है। ये सारियां मन दीआं गल्लां हन, पर जिस तरह आम ही हुंदा है लोकां ने बुद्ध दीआं गल्लां दे उल्ट मतलब कढ लए, जिवें सारे धर्म ही कढ लैंदे हन। मिसाल दे तौर ते गुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब नूं गुरगद्दी ते विराजमान करके देहधारी गुरुआं दी समाप्ति कर दित्ती। गुरु ग्रंथ साहिब नूं जहरा जहूर प्रगट गुरां दी देह दे तौर ते मनण दा हुक्म दित्ता।
पर इसका मतलब सिखा ने उल्ट कढ़ लिया। दातना रखनिया, चाह का भोग, रोटी का भोग, उत्ते रजाइयां देनिया, गर्मिया नू कूलर लाने, हीटर लाने, सिर ते चुक के सैर करवानी, ते इस तरह के होर सारे टशन लोगों ने गुरुआ की इच्छा के उल्ट आप ही बना ले। बिल्कुल इस तरह ही बुद्ध के उपदेशों नाल होया। कहिंदे हन एक बार कुछ भिक्षु जा रहे सन, दरिया के उरले पासे एक सुंदर औरत कीमती कपड़े पा के खड़ी सी। उस औरत ने भिक्षुआं नूं बेनती की कि मैनू कुछड़ चुक के दरिया पार करवा दिओ तां कि मैं किते भिज ना जावां। उसने इन्ने भोलेपण ते अपनत नाल बेनती की कि एक भिक्षु ने कुछड़ चुक के उसनू दरिया पार करवा दिता। गल खत्म हो गई। वह औरत अपने राह चली गई, भिक्षु अपने राह पै गए। राह विच तुरे जांदियां घड़ी मुड़ी कोई ना कोई भिक्षु इहो गल छेड़ के उस भिक्षु नूं जिन्हें दरिया पार करवाया सी झिड़का मारन लग पैण कि तू उस औरत नूं छूया ही क्यों, वह भावें जिदा मर्जी दरिया पार कर दी, तैनू की लोड़ पई सी उहनूं कुछड़ चुकण दी, ठरकी ना होवे कितों दा। अखीर उस भिक्षु ने कहा, शर्म करो ठरकी मैं आ कि तुसी, मैं तो थोड़े चिर लई उसनू कुछड़ चुकिया फिर उतार दिता, तुसी अजे भी उन्हू कुछड़ चुकी फिर दे। बुद्ध ने बहुत समय तक औरत नू दीक्षा नहीं दिती क्योंकि औरत गुरु नहीं बन सकती, पर चेली बड़ी छेती बन जाती है। औरत बहुता करके अपने ते अपने परिवार रिश्तेदारां तक ही सीमित रहिंदी। औरतां हमेशा अंतरमुखी हुंदियां हन जदों के मनुख बारमुखी हुंदे हन। दूसरे शब्दों विच कहा जावे तां औरत नू गुरु बनना उन्ना ही औखा हुंदा है जिन्ना बंदे नू मां बनना। इस्त्री दा दायरा बहुत छोटा हुंदा है, बस अपने घर तों गवांढियां दे घर तक, जदों के बंदे दी रुचि दुनिया दे सारे मुल्कां तक हुंदी। कहिंदे हन कि एक बार भारत दी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक समागम विच गई। उत्थे एक होर औरत भी आई हुई सी जिसने अपने हथी सोने दियां चूड़ियां ते होर गहने पाए हुए सन। इंदिरा गांधी नूं चूड़ियां दा ओह डिजाइन इन्ना पसंद आया कि वह आप उस औरत कोल गई ते उहदा हथ फड़ के चूड़ियां दा डिजाइन वेख्या ते प्रशंसा की। उत्थे मौजूद राजनीतिक लीडर ते बड़े बड़े अफसर यह वेख के हैरान हो गए। अखबारों ने भी यह गल पहले सफे ते छापी, जिस तों यह प्रभाव मिलता सी कि भावें कोई औरत जिन्ने मर्जी उच्चे अहुदे ते होवे, सब तों पहलां वह एक औरत ही हुंदी है ते उहदे सोज सुवाद भी औरतां वाले ही हुंदे हन। बुद्ध धर्म सिख धर्म नाल काफ़ी मिलता जुलता है। जो कुछ सिख गुरुआं नाल वापरिया वह कुछ ही बुद्ध धर्म अते जैन धर्म नाल वापरिया। जिस तरह गुरु अर्जन साहब जी नूं उहनां दे सके भरा पिरथी चंद ने एक हिंदू चंदू नाल गंढ तुप करके तत्तियां लोहां ते बिठा के ते तसीहे दे के शहीद करवाया सी, इसे तरह ही महात्मा बुद्ध दे चचेरे भरा देवदत्त ने उस वेले दे हिंदू ते ब्राह्मण कट्टरवादियां नाल मिली भुगत करके उन्हां नूं मरवाउण दीआं कई असफल कोशिशां कीतियां। बुद्ध ते पागल हाथी छड्या ते ध्यान करदे ते पत्थर रेड़ दित्ते, जिवें गुरु नानक ते वली कंधारी ने पहाड़ी तों रेड़े सन। उंज तां बुद्ध 82 साल दी उम्र विच जहरीले करेलियां दी सब्जी खा के मरे सन, पर कई कहिंदे हन कि इस विच वी देवदत्त दा हथ सी, नहीं तां उह करेलियां दी सब्जी तां होर भी कईयां ने खाधी सी, फिर उह क्यों ना मरे। चलो जो भी होवे, बुद्ध दा काफ़ी कुछ सिख गुरुआं वर्गा ही सी। जिवें सिखां दे कई फिरके बन गए हन, इसे तरह ही बुद्ध धर्म दे भी पैंदी सट्टे ही हीन जान ते महाजान दो वड्डे फिरके बन गए। हीन जान एक बंदे दे चलाउण वाली बेड़ी नूं कहिंदे हन, ते इस मत नाल संबंधित भिक्षुआं दा विचार है कि बंदे नूं इकल्ले ही मोक्ष पाउण दी कोशिश करनी चाहीदी है, पर महाज्ञान वाले महाज्ञान अर्थात वड्डे बेड़े वालियां दा विचार है कि वड्डी बेड़ी दे पूर वांग सारियां नूं ही नाल लै के मोक्ष प्राप्त करना चाहीदा। सिख धर्म भी यही कहिंदा है, आप तरे सगले कुल तारे। बुद्ध 42 साल लोगों नूं उपदेश देंदे रहे। गुरु नानक साहब जी वांग वह भी देशां दिशांतरां विच गए। जिन्ना चिर बुद्ध जिउंदे रहे उन्हां दे उपदेशां नूं किसे ने लिखती रूप ना दिता,
पर उन्हां दे मरण तो बाद बुद्ध धर्म होर कई टुकड़ियां विच वंडिया गया। सिख धर्म के उल्ट बुद्ध धर्म ते जैन धर्म विच इस्तरी दा कोई स्थान नहीं सी। बुद्ध दी मतरेई मां ते चाची ने बुद्ध दी बहुत वधिया पालना कीती। जदों ओ दीक्षा लैण आई तां महात्मा बुद्ध उस दे अहसाना करके इनकार ना कर सके। दीक्षा तां दे दित्ती ते ए दीक्षा देण नाल होर औरतां दा वी राह खुल गया। पर बुद्ध ने उदों ही कह दिता सी कि मेरा धर्म जिहड़ा 5000 साल चलना सी हुण मसां 500 साल ही चल सकेगा। इहो जिहे ही विचार जैन धर्म दे भी हन। मुसलमाना विच भी औरत दा अधिकार घट ही है। इत्थों तक कि जे औरत दी गवाही अदालत विच होवे तां जे दो औरतां इक्को ही गल कहण तां इक गवाही मन्नी जांदी है। तीन वार तलाक कहण मात्र ते ही तलाक हो जांदा है। ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੀ 3 ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 1 ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ, 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ 2 ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਉਹ ਖੱਤ ਪਾ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ 3 ਵਾਰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਜੇ ਤੈਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੁਪਈਏ 1.25 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਸਾਂ 1-1.25 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 5-5 ਲੱਖ ਅਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਲਿਖਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁਕਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇ ਦੁਲਹਾ ਦੁਲਹਨ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਤਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਜੀਬ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਕਸੂਰ ਅਤੇ ਭੋਲੀ ਭਾਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਲਾਲਾ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਲਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਹਣ ਦੇ 2 ਘੁੱਟ ਪੀ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਨਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਵੀਰ ਦੋਵੇਂ ਸਮਕਾਲੀ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠੇ ਵਿਚਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬੋਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੈਨੀ ਘੁਮੰਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਜੈਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੋਧੀ ਘੁਮੰਡੀ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨੀ ਹੀ ਸੀ। ਬੁੱਧ 82 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਵੀ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਰੇ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬਦਖੋਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੈਨੀ ਮਹਾਂਵੀਰ ਨੂੰ ਸਵਰਗਿਆ ਅਤੇ ਤ੍ਰੈਕਾਲੀ ਦਰਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਬੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਵੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਪੂਛ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ, 3 ਜਨਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੈਨੇ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਗਏ ਨੇ, ਐਸੇ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਜਿਹੜਾ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧ 42 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਮਹਾਂਵੀਰ 40 ਸਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਲਿਖੇ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲਿਖੇ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਹੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ 36 ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਧੜਾ
एक गल नहीं सी मनदा, कोई दूजी नहीं सी मनदा। इसे तरह ही जैनिया नाल होया। सिख गुरुआं दियां सारियां किताबां भी बाद विच लिखियां गईयां हन, सिवाए साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे। सारे रहतनामे ते गुरुआं दियां जीवनियां बाद विच ही लिखियां गईयां हन। 90% सिख विद्वान यह मानते हैं कि दसम ग्रंथ भी गुरु गोबिंद सिंह जी तो बहुत बाद दरबारी कवियां जां ब्राह्मणा ने सिखां नूं भंबल भूसे विच पाउण लई लिखिया सी। गुरु गोबिंद सिंह वेले इसकी कोई होंद नहीं सी, सवाए थोड़ी जिही बाणी दे। जो गल्लां महात्मा बुद्ध दे जिउंदिआं होईआं उन्हां उपदेशां विच वी लोकां नूं भुलेखा लग जांदा सी। महात्मा बुद्ध दे आश्रम विच सौण तों पहलां समाधी लाई जांदी सी। एक दिन महात्मा बुद्ध दे प्रवचन सुनन लई उन्हां दे चेलिआं तों इलावा एक वेसवा ते दो चोर भी आए। महात्मा जी ने अपना प्रवचन खत्म करके फरमाया कि जाओ हुण रात दा काम करो। बुद्ध दे चेले तां रोज वांग ध्यान करन लग पए, पर वेसवा ने रात दे काम तों अर्थ अपने धंधे दा लिया। उसने सोचिया मैं इत्थे बैठी हाँ, उधर गाहक मैनू उड़ीकदे होणगे। यह सोच के वह पेशा करन चले गई। इसे तरह ही चोरां ने भी अपने रात दे काम दा अर्थ रात नूं चोरी करन दा कढ़िया ते चोरी करन तुर पए। हुण एक ही हुक्म तिन्हां ने वक्खरा वक्खरा समझिया। सिखां दी भी इसे तरह की ही एक कहानी है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने सिंघां नूं कहा कि बाणी पढ़िया करो। सारे सिंघ बाणी पढ़िया करदे सन, पर एक सिंघ आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया उत्ते ही अड़ गया। वह सिर्फ इन्ना ही पढ़िया करे। दूसरे सिंघां दी शिकायत उत्ते गुरु जी ने जदों बुला के पुछया तां उस सिंघ ने कहा जी आप जी ने ही तां आख्या सी कि बाणी पढ़न नाल आनंद की प्राप्ति हुंदी है, वह मैनू हो चुकी है, फिर बाकी दी बाणी कादे लई पढ़नी है। महात्मा बुद्ध दे हुंदिआं भी उन्हां नूं कई वार अपने ही बनाए हुए निजमां विच तब्दीली करनी पई। बुद्ध धर्म दा पहला ते मुढ़ला असूल यह सी कि हर भिक्षु मंग के खाएगा, जीवां नूं नहीं सताउणा ते ना ही मारना है। इस गल दे तहत मास खाण दी मनाई सी, पर नाल इह गल वी सी कि जो कोई भी चीज़ अपनी मर्जी नाल भिक्षा पात्र विच पा देवे चुप चाप स्वीकार कर लैणी है। अपनी लोड़ तों वध नहीं मंगणा ते अपनी मनपसंद दा खाणा भिक्षा पात्र विच पाउण लई नहीं कहणा। बुद्ध दे भिक्षु बड़ी सख्ती नाल इन्हां नियमां दा पालन करदे सन, पर एक दिन ऐसा होया कि एक भिक्षु हाथ विच भिक्षा पात्र फड़ी जा रहा सी कि उड़दी जांदी इल दे मूँह विचों छुट के पताक करदा मास दा एक लोथड़ा भिक्षा पात्र विच डिग पिया। वह भिक्षु बहुत छछो पंज विच पै गया कि बुद्ध ने तां कहा है कि जो चीज़ भी भिक्षा पात्र विच पै जावे खा लैणी है, पर उन्हां यह भी हदायत की हुई है कि मास नहीं खाणा। बुद्ध अजे जिउंदा सी, इसलिए सारे भिक्षु इकट्ठे होके बुद्ध कोल चले गए ते हल पुछया। बुद्ध ने बड़ा सोचिया, सोच सोच के वह इस सिट्टे ते पहुंचे कि यह तां कुदरती हादसा हो गया है, रोज रोज थोड़ा इस तरह होवेगा। यह सोच के बुद्ध ने कहा भिक्षा पात्र विच जो पै गया खा लेना है, ते मरे हुए जानवर जां डंगर दा मास भी खा लेना चाहिदा है, जिउंदे तूं मार के नहीं खाना। इस गल दा असर यह होया कि जिहड़े जिहड़े देश विच बुद्ध धर्म दा फैलाव होया जिवें चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ब्रह्मा, वियतनाम ते होर देश, उत्थों दे होटलां दे बाहर लिखिया हुंदा है इत्थे अपने आप मरे हुए डंगरां दा मास मिलदा है। हुण कोई भी बंदा यह समझ सकदा है कि अपने आप इन्ने डंगर किवें मर गए ते मरे भी तां ओह दूर दुराडे तों गर्म जलवाजू वाले देशां विच शहरां अते होटलां तक पहुँचाए किवें जा सकदे हन। बस लोकां ने आपे ही तरीका लभ लिया। मिसाल दे तौर ते लद्दाख बुद्ध धर्म मनण वालियां दा इलाका है। उत्थे रेंडियर नां दा एक ऐसा जानवर है जिहड़ा दुध पीण, बर्फ ते गड्डियां खिंचण ते खाण दे भी काम आउंदा है। लद्दाख ते हिमालयन उचाई वाले खेतरां विच इह पालतू जानवर है। की कीता जांदा है कि बुद्धी रेंडियर नूं पहाड़ ते लै जांदे हन ते उत्तों धक्का दे दिंदे हन। इन्नी उचाई तों थले डिग के उह मर जांदा है। धक्का देण वाला कहिंदा है मैं थोड़ा मारिया है, आपे डिग के मर गया है।
जां फिर रेडियर नूं खूब छोले चार दिते जांदे हन ते रजा के पानी पिया देंदे हन जिस नाल उह आफर के मर जांदा है। घर वाले ये कह के पाप मुक्त हो जांदे हन कि आपे ही खा पी के मरिया है, असां थोड़ा मारिया है, बस हर इलाके विच आपे ही तरीके लभ ले गए हन। ब्राह्मण ने पूजा पाठ अपने हाथ रखिया है, किसी होर नूं ये काम करन दी खोल नहीं दित्ती। इत्थों तक कि ब्राह्मण ने ब्राह्मणी काम भी वंड लए हन। पूजा पाठ वाले ब्राह्मण होर हुंदे हन ते मरे दा संस्कार कराउण वाले होर, शराद खाण वाले होर ते टेवे लाउण वाले होर, मंदरां दे पुजारी होर ते हवन जग करन वाले होर, ये सारे एक दूजे दे कम्मां विच ना तां नुक्स कढ़दे हन ते ना ही जजमाना सामने किसी की गलती कढ़ के भंडदे हन। मुरदे साड़न वाले ब्राह्मण नूं आचार्य ब्राह्मण कहिंदे हन, भुल के भी वह मुंडा जम्मे वाले जां व्याह वाले घर नहीं वड़ सकदा। बुद्ध धर्म ने पाठ पूजा का काम अपने अनुयायियों ते ही छड़ दिता, नाल दस दिता है कि इन्ने पाठ करने चाहिए हैं। बुद्ध तो बाद इस दे भी होर दे होर अर्थ कढ़ ले गए। एक तकली वर्गे डमरू जिहे उत्ते मंत्र लेके बोधियां ने हत्थां विच फड़ ले, उन्हां चरखियां जिहियां नूं घुमा दिता, जिन्नी वार घुम जाण उन्ने पाठ हो गए। इस तरह बोधी सारा दिन ही डमरू जिहा घुमाई जांदे हन, पर इस दे उल्ट ब्राह्मण ने अपने आप नूं जां अपने परिवार नूं निर्दोष साबित करन दे तरीके भी लभे हुए हन। लोकां नूं पता भी लग जांदा है कि ब्राह्मण सानू बेवकूफ बना रहा है, पर फिर भी ब्राह्मण दा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। ब्राह्मण ने लोकां नूं दस्या होया है कि जे किसी हत्थों बिल्ली मर जाए तो घोर पाप हुंदा है। सोने की बिल्ली भावें थोड़े जे सोने की ही होवे बनवा के ब्राह्मण नूं दान करन नाल पाप लथदा है, नहीं तो बिल्ली स्वर्ग का राह रोक लैंदी है ते पचींडे मार मार के मात लोक दे प्राणी का मूँह वलूंदर दिंदी है। किसी बंदे ने एक दिन आके ब्राह्मण नूं पुछया, पंडित जी बिल्ली मारिया किन्ना कु पाप लगता है? बहुत, पंडित ने कहा, ते उपा है सोने की बिल्ली बना के ब्राह्मण नूं चढ़ाउणी। उस बंदे ने कहा, पंडित जी फिर तैयारी कर लो, तुहाडी छोटी नूं संतोष ने बिल्ली मार दिती है। एक बार तो ब्राह्मण हिलिया पर छेती ही संभल गया ते कहण लगा, जे बिल्ली मारी संतोष फिर कोई नहीं दोष। बुद्ध दे मरण तो बाद बुद्ध धर्म विच झट ब्राह्मण प्रवेश कर गए। बुद्ध दे 12 ब्राह्मण चेलियां ने बुद्ध धर्म दे ग्रंथ लिखे, इसलिए उन्हां दी शुरुआत इन्नी सोहणी है कि पढ़दे सार दिल खुश हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण विच इह गुण तां है कि अगले दे ढिड विच वड़ जाता है। लिखण लग्यां उसने बुद्ध धर्म की किसी गल की भी जिम्मेवारी अपने सिर नहीं ली। गल शुरू करन लगा लिखदा है, ऐसा मैंने सुना है, फिर अगों गल लिख दिंदा है। इस तरह जो उन्होंने कहा मैं यही लिख रहा हाँ। ब्राह्मण ने बड़ी खच्चर विद्या नाल लिखतां लिखियां हन। इन्हां लिखतां ने बुद्ध धर्म का बेड़ा गर्क करके रख दिता। सिखां दे दसम ग्रंथ विच भी हूबहू यही शैली मिलती है। गल शुरू करन दा खत्म करन दा ढंग इहो ही है। जिथे वला करना होवे उत्थे लिखिया हुंदा है, ग्रंथ किते वड्डा ना हो जावे, इसे लई इस गल नूं मैं इत्थे ही छड्डदा हाँ। पर जिथे उस नूं लिखण नूं मसाला मिलदा जांदा है लिखी जांदा है। सारा दसम ग्रंथ हूब हू बुद्ध धर्म दे ग्रंथां दी शैली वाला है। बोधी धर्म ग्रंथ विच किते किते चाह दी भी सिफत कीती मिलदी है। बोधी समझदे हन कि चाह पीण नाल नींद नहीं आउंदी ते ध्यान करन लई चाह पीणी चंगी है, पर कई सिख जथेबंदियां अनपढ़ता वस चाह दे विरुद्ध हन। वह कहिंदे हन चाह नूं चमड़े दी पुठ दित्ती जांदी है, पर उधर नलके दा पानी पी लैंदे हन जिहदे विच चमड़े दी बोकी हुंदी। ब्राह्मण ने जिथे बुद्ध ग्रंथां विच रला कीता उत्थे अमली तौर ते भी बड़ा नुकसान कीता। श्री लंका दे कैंडी शहर विच एक मंदिर है जिथे कहा जाता है कि इत्थे महात्मा बुद्ध दा नौह पिया है। उस नौह दी कई बार जांच हो चुकी है। सारे मैडिकल माहरां ने फतवा दिता है कि यह नौह बंदे दा तां बिल्कुल नहीं, हाँ किसी जानवर का हो सकता है, पर बोधी नहीं मानते। ये काम भी ब्राह्मण का ही है। हुण तां इह गल बहुते बोधी भी मन्नण लग पए। मैनू इस मंदिर विच जा के नौह दे दर्शन करन लई पूरे 2 दिन लग गए सन। सचमुच ही वेखण नूं उह नौह
बंदे दा नौ नहीं लगता। इस मंदिर की बहुत मानता है। बोधियां दा धर्म ग्रंथ धम्मपद है। इस ग्रंथ विच दर्ज बहुतियां सिख्यावां सिखां दे गुरु ग्रंथ साहिब दीयां सिख्यावां नाल मिलदियां जुलदियां हन। ब्राह्मण ने बुद्ध धर्म नूं इस तरीके नाल रोलिया है कि हुण भारत विच इस दे दुबारा फैलण की कोई संभावना नहीं। बुद्ध धर्म जिहड़ा बहुत ही सीधा साधा ते आम लोकां दी समझ विच आउण वाला उन्हां दी अपनी बोली विच सी काफ़ी उलझा दिता गया है। हुण सिखां दे रहितनामिआं वांग बुद्ध ग्रंथां विच 33,000 नियम हन जिन्हां उत्ते अमल करना जरूरी है। किवें तुरना है, किवें बहना है, किवें कपड़े पहनने ते किहड़े मोढे उत्ते चादर रखनी है आदि। इस धर्म नूं उका खत्म करन लई ते बदनाम करन लई ब्राह्मणा ने बड़ियां कहानियां कढ लईआं हन। एक कहानी यह है कि ब्राह्मणा ने सारी दुनिया का इन्ना परोपकारी सुधार कर दिता कि नरक विच कोई जाणो ही हट गया, क्योंकि सारे लोग स्वर्ग विच ही जांदे सन। इसलिए धर्मराज जी ने परमात्मा कोल शिकायत की कि हुण की करिए, नरक तो खाली पिया है। तो परमात्मा ने कहा कि फिकर की कोई लोड़ नहीं, मैं बुद्ध के रूप में इस धरती उत्ते जाके लोगों नूं इन्ना खराब ते अधार्मिक कर देंगा कि नरकां विच पहला वांग ही गहमा गहम हो जाएगी। शंकराचार्य के हुक्म नाल 12,00,000 बोधी मौत के घाट उतार दिते गए सन। अज बुद्ध धर्म चीन, तिब्बत, लाओस, कंबोडिया, ब्रह्मा, लंका, वियतनाम, जापान, थाईलैंड अते होर देशां विच तां वध फुल रहा है, पर भारत जिथे इसका जन्म होया सी विचों लगभग खत्म हो चुका है। हिंदू अजगर इस नूं निगल चुका है। किताब ते सिख भी निगलिया गया। लेखक सरदार कुलबीर सिंह कौड़ा, भाग दूजा, आवाज़ भाई गुरजंट सिंह रूपवाली। पूरी किताब सुन लई यूट्यूब चैनल गुरजंट सिंह रूपवाली सबसक्राइब करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।